नमस्कार दोस्तों, अभी अभी मैंने रोहित शेट्टी की आने वाली फिल्म सर्कस का ट्रेलर देखा है और एक बार नहीं दो तीन बार देखा है क्योंकि ट्रेलर काफी एंटरटेनिंग है, ये मुझे कहना पड़ेगा। टीजर देख करके मुझे निराशा हुई थी, टीजर में ऐसा कुछ था नहीं कि ऐसा लगा था कि रोहित शेट्टी एक बार चूक गए। लेकिन दोस्तों, रोहित शेट्टी एक ऐसे फिल्मकार है, ऐसे डायरेक्टर है जिन्हें दर्शकों की नब्ज पता है, उन्हें पता है कि किस प्रकार से एक फुल ऑफ एंटरटेनिंग मूवी बनाई जाती है और किस प्रकार से फिल्म में वे एक्शन कॉमेडी रोमांस जबरदस्त गाने का तड़का डालते हैं, वो उनकी फिल्मों को सुपरहिट बनाते हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने हर तरह का मतलब मसाला डाला है, प्रचुर मात्रा में डाला है। और इस ट्रेलर को देखने के बाद में मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये फुल आउट एंड आउट कॉमेडी मूवी होने वाली है जो आपको कई वर्षों के बाद में बड़े पर्दे पर देखने को मिलने वाली है। जहां तक इसके सब्जेक्ट की बात करें तो कोई भी नया नहीं है, स्टोरी वाइज कंटेंट वाइज कुछ भी नया नहीं है। एक अंगूर मूवी आई थी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी, गुलजार साहब ने डायरेक्ट किया था, देवेन वर्मा तथा लीजेंडरी एक्टर संजीव कुमार डबल रोल में थे, नौकर मालिक के रोल में थे, संजीव कुमार मालिक बने थे और देवेन वर्मा नौकर थे, मौसमी चटर्जी थी, अरुणा ईरानी थी। और इतनी बेहतरीन मूवी थी, इतनी सिचुएशनल कॉमेडी थी, एरर ऑफ कॉमेडी कि देख करके हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं आप। तो उसी को आधार बना करके आप उसका एडेप्टेशन रीमेक भी बोल सकते हैं ये फिल्म रची गई है। यहाँ पे रणवीर सिंह डबल रोल में है, वरुण शर्मा डबल रोल में है। इसके अलावा दोस्तों, फिल्म के जो बाकी स्टार कास्ट है वो भी सारे के सारे कॉमेडियन है। जॉनी लीवर ले लीजिए आप और जितने भी है, यहाँ पे पूजा हेगड़े है, जैकलिन फर्नांडिस है, सबके सब कॉमेडियन यहाँ पे भरे पड़े हैं और जबरदस्त तरीके से कॉमेडी करते हुए ट्रेलर में नजर आ रहे हैं। साथ ही जो ट्रेलर में जो बीजीएम चल रहा है, जो गाना चल रहा है बैकग्राउंड में, करंट लगा, वो भी बहुत ही जबरदस्त गाना है और बड़ा हिट होगा बॉक्स ऑफिस पर। बड़ा हिट का मतलब काफी ज्यादा ये पसंद किया जाएगा जिस प्रकार से गाने को पिक्चराइज किया गया है और जिस प्रकार से ट्रेलर में विजुअल्स नजर आ रहे हैं, सिनेमाटोग्राफी नजर आ रही है, डायलॉग्स नजर आ रहे हैं, जो कलर ग्रेडिंग नजर आ रही है, वो सब के सब माइंड ब्लोइंग है। रोहित शेट्टी की विशेषता है कि वो जिस प्रकार का ड्रामा रचते हैं, जिस प्रकार का कंटेंट रचते हैं, उसके बाद में स्क्रीन प्ले पे जिस प्रकार से मेहनत की जाती है रोहित शेट्टी के द्वारा और जिस प्रकार से उनका डायरेक्शन होता है तो काफी कमाल का होता है। यहाँ पे जो रणवीर सिंह है करंट मैन, जिनको छूते ही करंट लगता है, कि एक अलग तरह का किरदार उनका रचा गया है और जैसे उनको कोई छूता है सीधा करंट लगता है उनको, तो काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर एक डायलॉग भी है कि यार लोग बड़े होकर के एक्टर बनते हैं, कॉन्ट्रेक्टर बनते हैं, ठेकेदार बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, लेकिन तुम जनरेटर बन गए, ऐसा एक डायलॉग भी है, काफी हंसाता है। इसके अलावा भी दो तीन और बेहतरीन डायलॉग है कि समुद्र में सुसु करने से सुनामी नहीं आती है, कैसा डायलॉग जॉनी लीवर के द्वारा शायद बोला गया है। इसके अलावा जॉनी लीवर एक यहाँ पर यह भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि पेट छुओ, और जब वो उनके पेट छूने लगता है, सामने कौन था मुझे याद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि नहीं अपने पेट छुओ, सेल्फ रेस्पेक्ट। तो इस तरह के कई डायलॉग्स हैं जो आपको हंसाएंगे। और जो सिचुएशनल कॉमेडी है, जो सिचुएशनल कॉमेडी इन डबल रोल के कारण उत्पन्न होगी फिल्म के अंदर, वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है और आपको हंसा हंसा कर लोटपोट करने वाली है। तो कुल मिलाकर के ये जो ट्रेलर है, रोहित शेट्टी मार्का फिल्म है, रोहित शेट्टी की पूरी छाप नजर आती है और रोहित शेट्टी बहुत बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं, उनको पूरा पता है कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को हिट कराने का क्या फॉर्मूला है, तो पूरी तरह का यहाँ पे यूज किया गया है। तो काफी मुझे तो ट्रेलर अच्छा लगा, कई सीन है वो काफी आसानी में कामयाब रहे हैं। स्टोरी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पूरी की पूरी अंगूर का ये कि ऑफिशियल रीमेक ही मान लीजिए आप, पूरा एडेप्टेशन है, वो ही स्टोरी है। अब उसको किस प्रकार से इतने सारे कॉमेडियंस को एक साथ इकट्ठा करके रोहित शेट्टी ने अपना खुद का एक जो ये ड्रामा तैयार किया, ये आपको कितना पसंद आएगा कितना नहीं आएगा, ये तो खैर फिल्म रिलीज होगी तो पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग है और ट्रेलर का सरप्राइजिंग एक ये भी है कि लास्ट में दीपिका पादुकोण का भी एक केमियो इसमें दिखाया गया है, तो ये एक थोड़ा सा और सरप्राइजिंग है। हो सकता है और भी कलाकार इसमें आपको केमियो करते हुए नजर आए जो अभी तक सरप्राइज रखा गया है। तो कुल मिलाकर के ट्रेलर मुझे अच्छा लगा है, पसंद आया है और मैं इसको 4 स्टार आउट ऑफ 5 रेटिंग देना चाहूंगा। अगर आपने ये ट्रेलर देखा तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। फिलहाल इतना ही, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।